तिवारी जी और हम दोनों एक दूसरे के प्रशंसक हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेरे बारे में बोला है, तो जैसे ही संसदीय परंपराएं होती हैं उसको डिलीट करना चाहिए एक्चुअली। ये सही है एक्चुअली, आपने बोला कि मैं प्रिपरेशन के साथ आता हूँ और मेरा एक बैक ऑफिस होता है जिसमें मैं अपने लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ तैयार करके ज़रूर भेजे, बट नॉट नेसेसरीली मैं उसी चीज़ को एक्चुअली प्रस्तुत करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि अपने अनुभव, क्योंकि एक प्रशासक होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, और ख़ास तौर पर विगत 2 साल से मैं आयुक्त जनसंपर्क होने के नाते, हम स्पेशली मीडिया मैनेजमेंट में जो चीज़ें देख रहे हैं, मैं वो ही चीज़ें ज़्यादा साझा कर सकता हूँ, क्योंकि वही एक्चुअली प्रैक्टिकल्स से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है। हम थियोरिटिकल चीज़ें हम नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तो आपके लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, परंतु वास्तविकता में जो मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, ये दो तीन शब्द जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, एक है मीडिया और दूसरा है बिजनेस और तीसरा मैनेजमेंट है। क्या मीडिया कोई बिजनेस हो सकता है, या अपने आप में जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, यानी कि दो विपरीत ध्रुवों वाली जो चीज़ें एक साथ जब जोड़ा जाता है उसको ऑक्सीमोरॉन्स कहते हैं। क्या कोई मीडिया बिजनेस के रूप में इमर्ज हो सकता है, और फिर ये दोनों को मिला के क्या इनको मैनेज किया जा सकता है? पहले तो मीडिया को मैनेज कर सकते हैं और दूसरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, और फिर मिला के बिजनेस, मीडिया बिजनेस को मैनेज किया जा सकता है क्या? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट फॉर अनफॉर्चुनेटली एक ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। आपने, आप में से अगर रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म साहो अगर आपने देखा है, कितने लोगों ने आप में से देखा है साहो फिल्म देखा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो आपने समय कॉलेज से डुम्मा मार के नहीं देखा होगा। बट इंटरेस्टिंग क्या है उसमें, इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक फिल्म है और फिल्म रिलीज होने से पहले ही 300 करोड़ जो एक्चुअली उन्होंने स्पेंड किया उन्होंने ऑलरेडी हासिल कर लिया। यानी कि एक फिल्म, यानी कि एक प्रोडक्ट, फिल्म भी एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट जो है एक्चुअली पब्लिक में सेल होने से पहले ही उसने अपना पैसा कमा लिया है। यानी कि क्या है, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है कि प्रोडक्ट बाहर आया ही नहीं और सेल हो गया उसका? सो दिस इज, ये हमको सिखाता है कि बिजनेस कैसे किया जाना है, और बिजनेस जो एक फिल्म इंडस्ट्री से लेके संबंधित है, यानी कि एक कहीं ना कहीं वो भी मीडिया रिलेटेड है। यहाँ पे फिल्म्स भी जो है वो मीडिया प्रमोशन और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्रमोशन, यानी कि उसके जो राइट्स हैं वो राइट्स इतना ज़्यादा सेल हो गए हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली निर्धारित जो, मतलब आपने समय या डेट फिक्स कर दिया है उससे पहले ही उसका प्रोडक्ट सेल हो गया है। तो आप इमेजिन करिए कि आपने 100 रुपये आपने कहीं खर्च कर लिया और एक्चुअली आप उसका वेट करें कि वो 100 रुपये आप कमाए, उससे पहले ही आपकी किटी में, आपके बैंक में, अकाउंट में आ गया है। अभी अभी आपने एक फिल्म देखा होगा बाला करके, एक इंटरेस्टिंग फिल्म आई है, आयुष्मान खुराना, मैं नहीं पूछूंगा कितने लोगों ने देखा है, बट एक डिफरेंट मीडिया स्ट्रेटजी है, एक ऐसा मीडिया स्ट्रेटजी है कि वो 300 करोड़ तो खर्च नहीं करता है, वो मुश्किल से उसके फिल्म्स जो है 10-15 करोड़, मैक्सिमम 20-25 करोड़ में वो फिल्म बनाता है, और उसका मार्केटिंग नहीं करता है उतना ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो वो करता है। उसके अलावा आप नहीं देखेंगे कि जिस तरह से उसके राइट्स बेचे जाते हैं, उसका लिमिटेड वर्जन में वो अपना राइट्स बेचता है, एंड सडनली आप देखेंगे कि वो 100 करोड़ कमा लेता है फिल्म जब बाहर आता है। तो ये जो फिल्में हैं, मैं इसके लिए इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इससे अच्छा जो है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और जब हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल मीडिया, जिसको हम ट्रेडिशनल मीडिया कह रहे हैं, इंक्रीजिंगली ग्लैमरस होते जा रहा है। मतलब इंक्रीजिंगली ग्लैमरस का मतलब उसको नेगेटिव कनोटेशन में नहीं देखना है, और जो मतलब क्या बिकता है बेसिकली, व्हाट
एक्चुअली गेट्स सोल्ड आउट. तो हमको, क्योंकि आप सभी मीडिया और बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो इन चीजों को समझना, बारीकियां समझना बहुत जरूरी है. अगर एज ए फिल्म जो बनाता है, उनके जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आप देखेंगे कि फिल्म बनाने से पहले, प्रोडक्शन जब स्टार्ट करने से पहले ही स्क्रिप्ट नेटफ्लिक्स को जाता है, अमेज़न को जाता है या फिर हॉटस्टार को जाता है, और फिर वहां पे बैठे हुए लोग उसको पढ़ते हैं और आपका वैल्यू निर्धारित कर देते हैं. यानी कि आपका कंटेंट और कंटेंट के साथ में कौन एक्टर्स हैं, कौन लोग उसमें मतलब एक्ट करेंगे, उसके आधार पर ही आपका मार्केट वैल्यू निर्धारित हो जाता है, 50 करोड़ का या 100 करोड़ का है. नाउ दीज, पहले ऐसा नहीं होता था. पहले आपका प्रोडक्शन हो जाता था कंप्लीट, उसका एडिटिंग होके आप मार्केट को हिट करने वाले रहते हैं, हिट करते हैं, तब जाके एक्चुअली आपके मतलब रेवेन्यूज आते हैं और फिर निर्धारित हो जाता है कि आपका फिल्म हिट है या फ्लॉप है. जैसे साहो हम ले लेते हैं, साहो फिल्म इज अ ब्लॉक, यानी कि एज अ फिल्म अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें, इट्स अ फ्लॉप फिल्म. बट उसने 300 करोड़ एक्चुअली स्पेंड किया और 400-500 करोड़ कमा लिया, तो फ्लॉप कैसे हो गया? यानी कि इट इज अ फ्लॉप, बट एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी इट इज अ सक्सेस. आप अगर बाला फिल्म देखेंगे, 20-25 करोड़ उसने बनाया, उसमें बहुत हाउस मतलब यानी कि मार्केट में जाएगा, वो ऑलरेडी हिट है, 100 करोड़ तो कमा ही लिया है. एंड उसके अलावा एज अ फिल्म ऑल्सो इट इज सक्सेस, यानी कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. ना ये जो चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी. यानी कि जिंदगी में पैसे कमा लिया, सक्सेसफुल है, एक्चुअली अपना इमेज वहां पे बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका मतलब रेवेन्यू के हिसाब से देखें आप सक्सेसफुल हो गए हैं. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मार्केट में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं. इंक्रीजिंगली आगे चलकर क्या होने वाला है, आगे चलकर ये होने वाला है कि अमेजॉन, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यही आपके मार्केट डिटरमिन करेंगे, ना कि कोई और चीज. तो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ में मैं 2-3 और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा कि एक्चुअली हमने क्या किया एज अ गवर्नमेंट में, हम कैसे मीडिया बिजनेस स्ट्रेटजीज करते हैं. क्योंकि ये एकेडमिक क्लासे हैं, इसलिए आपको सीखना जरूरी है, और इसलिए मैं अपना बहुत ही सरकारी चीजें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके साथ साझा करूंगा. तो एक दिन फोन आया मेरे पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो वर्तमान में है. उन्होंने कहा है कि मैं आप दो लोगों को आपके पास भेज रहा हूँ और आपको ये कार्यक्रम करना है. तो मैंने, बिल्कुल सर आप भिजवा दीजिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी हमसे कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ कार्यक्रम करना है, तो हम यस वी हैव टू लिसन टू द पार्टीज एट पार्टीज, एंड फिर उनके उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है. तो ये दो लोग हमारे पास आए एंड दे सेड कि सर हम फर्स्ट टाइम एवर मुंबई में होने वाले इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स को हम इंदौर में करना चाहेंगे. मैंने कहा कि व्हाई, क्यों करना चाहेंगे आप, व्हाई डू यू वांट टू डू, मतलब इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स जो है हमारा 19th एडिशन है, 18 साल से हम मुंबई में कर रहे हैं, हम आप इस बार इंदौर में करेंगे. तो मैंने पूछा कि क्यों करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कई सारे रीजंस दिए कि एक्स वाई जेड, हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश हैं और मुंबई में हमको बहुत खर्चा होता है, यहाँ पे कम खर्चे में होगा, फिर आपके लिए टूरिज्म अदरवाइज भी आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, 300 टेलीविजन आर्टिस्ट आपके मध्य प्रदेश में आएंगे, उससे आपका बहुत अच्छा पब्लिसिटी होगा. तो मैंने उनको सुन लिया था. मैंने बोला चलिए ठीक है, जैसे सरकारी रूप से हम लोग कहते हैं कि लेट मी एग्जामिन आपका प्रपोजल, हम एग्जामिन करेंगे फिर वी विल टेक इट अप. फिर उन्होंने अपना प्रपोजल भेजा, फिर उसके बाद जब मैं इत्मीनान से बैठ के उसको समझा, तो मुझे लगा एक्चुअली उनका, मैं थ्योरेटिकल बहुत ही मतलब आंकड़े ऐसे बता रहा हूँ जो एक्चुअली वास्तविकता के नज़दीक नहीं है, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ. उनका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 5 करोड़ का था. उन्होंने कहा कि सर आप गवर्नमेंट जो है आप लीड स्पॉन्सर रहेंगे,
आप लोगों को ये चीजें टर्मिनोलॉजीज बहुत समझना जरूरी है क्योंकि ये सब बिजनेस और मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है. लीड स्पॉन्सर रहेंगे आप और हम आपका पब्लिसिटी करेंगे. तो पब्लिसिटी जब कोई स्पॉन्सर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड इज डिलीवरेबल्स. यानी कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा तो मुझे वापस में क्या मिलेगा, मैं क्यों लीड स्पॉन्सर बनूं, है ना. मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हूं, मैं अगर आपके ITA अवार्ड्स के लिए मैं आपका लीड स्पॉन्सर बनूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा. तो उसने तो जो बताना था उसने बता दिया था कि साहब आपका पब्लिसिटी होगा, 300 कलाकार आएंगे, आपके शहर में हल्ला होगा, काफ़ी बड़ा इवेंट होगा. बट उसको एक्चुअली मुझे कन्वर्ट करना है ना पेपर में. जब हम लिखते हैं तो मुझे तो डिलीवरेबल्स चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा मुझे पेपर में. क्योंकि कल कोई मुझसे पूछेगा कि आपने उनके 5 करोड़ के एवज में आपने लीड स्पॉन्सर के रूप में मान लिया 2 करोड़ दिया, तो 2 करोड़ का आपने लिया क्या. तो हमने उनसे डिलीवरेबल्स मांगा तो उन्होंने डिलीवरेबल्स दे दिया. फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमको कैसे मैक्सिमाइज करना है. तो मुझे एज गवर्नमेंट में बैठे मैं भी मेरे गवर्नमेंट का मैं जिस पद पर बैठा हूं, मुझे कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है और जहां पे मैं लीड स्पॉन्सर हूं, तो मुझे उस इवेंट के माध्यम से गवर्नमेंट को मैक्सिमम कैसे पब्लिसाइज करूं, तो ये मेरा प्रयास है. तो मैंने अपने डिलीवरेबल्स, उन्होंने जो दिया मैंने अपने डिलीवरेबल्स तैयार किए और मैंने उनको दिया, ये मेरे डिलीवरेबल्स रहेंगे. उन्होंने देखा, बोला कि सर ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोगों ने म्यूचुअली, उन्होंने जो डिलीवरेबल्स हमसे मांगा हमने जो उनको दिया, दोनों हम लोगों ने फाइनली सेटल किए. एंड देन उनका मान लीजिए कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मैं 50% उसका लीड स्पॉन्सर मैं रहा. प्रोग्राम हुआ. प्रोग्राम होने के बाद जब मैं एक्चुअली अपना शीट लेके बैठा था कि मैं 50% स्पॉन्सर रहा और मैंने इवेंट मेरे गवर्नमेंट का मैंने पब्लिसिटी का प्रयास किया, मुझे क्या मिला एक्चुअली, आप बिलीव नहीं करेंगे कि फाइनल जब पूरा इवेंट हुआ और जिस तरह के डिलीवरेबल्स की मैं बात कर रहा हूं बार बार, मैं 50% पार्टनर के हैसियत से अगर मैंने 2.5 करोड़ या कुछ दिया, मैंने 50 करोड़ पब्लिसिटी करा लिया. तो जस्ट आप आंकड़ों में आप उस चीज को देखिए. इवेंट जो है, इवेंट यहां पे मीडिया या जो मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो सोनी टीवी उसका अभी 8 दिसंबर को आएगा, आप लोग देख सकते हैं, उस पूरे इवेंट लाइव होगा. सोनी टीवी के तरफ से कपिल शर्मा से लेके उनका पूरा जो आप लोग, अगर आप लोगों ने कपिल शर्मा शो देखा है, उनका पूरा टीम आया हुआ था. उसके अलावा 300 भाभी जी घर पे हैं कि उनके जो लीड एक्ट्रेसेस से लेके सभी लोग उस कार्यक्रम में आए थे. तो मैं गिनाते जाऊँ आपको कि मैंने क्या क्या हासिल की. मैंने जो भी दिया, 300 लोग हमारे मध्य प्रदेश में आए, ठीक है, 300 लोग मध्य प्रदेश में आए, 300 लोग फ्लाइट पकड़ के आए, 300 लोग आए हमारे यहाँ होटल में रुके, हमारे मध्य प्रदेश के होटल्स में रुका, यहाँ का खाना खाया, यहाँ के गाड़ियों का उपयोग किया, यहाँ के एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को यहाँ पे काम मिला, यहाँ जो सेट डाला गया था, जो कलाकार हैं उनको पूरा सेट मध्य प्रदेश का ही था, ठीक है, यहाँ पे मतलब दरी बिछाने से लेके मतलब लास्ट मतलब माइक वाइक जो भी चीज लगे थे पूरे मध्य प्रदेश के लगे, ठीक है. और 300 लोग जो भी आए वो 3 दिन यहाँ पे रुके और 3 दिन इंक्लूडिंग वो क्या कपूर है जो फेमस शेफ है, संजीव कपूर जो है वो 56 से लेके हमारा सराफा तक जो है घूमे और उन्होंने खुद माइक पे आके बताया कि मैंने 76 व्यंजन मध्य प्रदेश के मैंने इंदौर के टेस्ट किया. मैं गिनते जा रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए. ये सभी लोग जो 300 लोग जो भी स्टेज पे आया उसने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश 19th ITA अवार्ड्स और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हर कोई अपने मुंह से निकाला. इसके अलावा इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में आया हूँ और इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंबई भी इंदौर जैसा बनना चाहिए. आप ये गिनते जाइए और सोनी लाइव पे 8 तारीख को जब प्रोग्राम आएगा उस पर मेरा एड्स भी रहेंगे. उस दिन जिस दिन कार्यक्रम हुआ उस दिन भर मेरे एड्स चले. मैंने जो है चौका लगाएंगे मध्य प्रदेश इंदौर का जो
चौथी बार हम लोग इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसका हमने एड भी वहीं रिलीज किया। और इसके अलावा कपिल शर्मा ने भरपूर इंदौर की तारीफ और मध्य प्रदेश की और मुख्यमंत्री जी की और हमारे सरकार की तारीफ की। तो मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो मेरा 50 करोड़ से कम मेरा पब्लिसिटी इससे कम तो नहीं हुआ है। नाउ एज हमें जब बिजनेस की बात करते हैं तो मैं सरकार में बैठा हूं, आप सोच सकते हैं कि मैं तो पैसा दे दिया चुपचाप बैठ सकता था कि उसके डिलीवरेबल्स एक्चुअली मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मैं अच्छा, इसके अलावा GST सब पे करके गए हैं जो भी आया था, ठीक है, एवरीथिंग जो भी खरीदा उन्होंने। तो जो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम जब बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम एक्चुअली मीडिया में रहते हुए, यानी मीडिया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मतलब आधा मीडिया का आदमी हूं क्योंकि जनसंपर्क हम संभालते हैं तो हम अपने आप को आधा मीडिया समझते हैं। और जिस तरह का कैंपेन की हम बात कर रहे हैं, पब्लिसिटी की हम बात कर रहे हैं, और उसमें से जितने प्रोड्यूसर्स आए उन्होंने ये वादा किया कि हम, हमारा जैसे भाभी जी घर पे हैं या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश से करेंगे, जिसके लिए हम मध्य प्रदेश का, आपको बता दें, वैसे तिवारी जी को पता होगा, मध्य प्रदेश का फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी हमारा नेक्स्ट कैबिनेट में आ रहा है। यानी कि जो जो भी प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, उल्टा हम उनको पैसे देंगे। क्यों देंगे? प्रोडक्शन के लिए पैसे देंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यानी कि आप अपना पूरा सीरियल जो है आप यहीं पे निकालो, उसके लिए भी हम उल्टा आपको सब्सिडी देंगे। परंतु हम बार बार ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये टर्मिनोलॉजी जो मैनेजमेंट में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो मैंने 2.5 करोड़ अगर उस पर्टिकुलर आईटी अवार्ड्स के लिए दिया है तो मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा, मैंने 2.5 करोड़ नहीं दिया है, मैंने एक्चुअली 50 करोड़ दिया था। मैंने 50 करोड़ दिया था इसलिए 50 करोड़ वसूला मैंने, एक्चुअली कैश में तो मैंने 2.5 करोड़ ही दिया था, लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं देखूं उसका वैल्यू एक्चुअली 50 करोड़ था। तो हमेशा मीडिया और बिजनेस में जब हम बात करते हैं उस लिंगो में या उस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि हमें हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मुझे मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए मैंने उतना पब्लिसिटी किया जो कम से कम मतलब 10 times 15 times उससे ज्यादा हमने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इमेजिन करते हुए। बहरहाल ये सब चीजें यहां पे अगर हम थोड़ी देर के लिए रोक लें और एक्चुअल मीडिया में क्या हो रहा है, एक्चुअल मीडिया में वो इकोनॉमी का अपने हिसाब से चल रहा है, जो भी रीजंस हैं उसको आप अलग रखें, लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस आर एक्चुअली ब्लीडिंग। मीडिया हाउसेस का अगर हम अंदरूनी चीज निकाल, अंदरूनी देखें कि क्या हो रहा है, मैं आपको इस देश का सबसे पहला टीवी चैनल की अगर मैं बात करूं, एक एक एस्टिमेट के मुताबिक, बिकॉज आपका जो रेवेन्यू पहले आता था चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के माध्यम से आता था या फिर आपका व्यूअरशिप को, व्यूअरशिप जब आपके बार्क रेटिंग्स को इन टर्म्स ऑफ 10 seconds पर एड के हिसाब से कन्वर्जन करेंगे तो उसका जो वैल्यू होता था उसको, वो कम होने की वजह से चैनल का गिरावट आया हो, जो भी रीजंस हो, कम से कम 100 करोड़ प्रति महीने उनको लॉस हो रहा है आज के तारीख में। आई रिपीट, उस पर्टिकुलर चैनल को कम से कम 100 करोड़ का लॉस हो रहा है प्रति माह। स्ट्रेटजी क्या, जैसे हम बात कर रहे हैं मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, क्या ऐसा चैनल जिसका एक साख रहा है अभी भी है, ऐसा चैनल जिसमें आज के तारीख में दी बेस्ट एंकर्स बैठते हैं, आज के तारीख में अभी भी जो है लोग चाहते हैं कि मतलब इस चैनल को हम देखें, फिर भी जो है उस चैनल का मंथली रेवेन्यूज अगर हम देखें तो कम से कम 100 करोड़ उनका गिरावट है। तो क्या बिजनेस एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी उनका गलत था?
या फिर ड्विंडलिंग जो मतलब इकोनॉमी जो डाउन है उसका प्रभाव जो है वो मीडिया के ऊपर पड़ रहा है, या फिर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है उनका जो शेयर आता था वो किन्हीं कारणों से, जो वो इनविजिबल रीजंस हैं, उसकी वजह से उनका रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम ये चीजों का आकलन करें तो कहीं ना कहीं मीडिया एज ए बिजनेस और प्रोफेशनलिज्म, यहां पे मैं ये वर्ड बहुत ज्यादा आपको यूज करूंगा, प्रोफेशनलिज्म जितना ज्यादा किसी कंपनी में एज ए मैनेजमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका इन्वॉल्व रहेगा, उतना ही जनरली बेहतरी हो जाती है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में यहां पे मैं मतलब सटल वर्ड्स में अगर आपको बता दूं, प्रोफेशनलिज्म में हमेशा इंडिविजुअल्स को ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को महत्व मिलना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स। इसलिए क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन जब प्रोफेशन से हटकर ग्लैमरस प्रोफेशन की ओर बढ़ता है तो आपका जो है कहीं प्रोफेशनलिज्म में कमी आ जाती है। तो इसलिए कोई भी प्रोफेशन को जो है ज्यादा ग्लैमरस भी नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, आई डोंट नो वेदर यू एक्सेप्ट दिस और नॉट, बट मेरा यह मानना है कि कोई भी प्रोफेशन का एक मतलब जैसे मीडिया ही सही है, मीडिया जिसको हम मतलब बहुत ही रेस्पेक्टफुली हम देखते हैं, तो उसका जो ग्लैमर कोशेंट है वो कुछ ज्यादा एंटरटेनमेंट की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये चीजें भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पर जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर इसको मैं यहां पे बता रहा हूं। तो हमें प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज मैं यहां पे सीपीआर के पद में हूं या तिवारी जी वाइस चांसलर है, हमारे प्रोफेशनलिज्म की वजह से हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स, हम जो अपने प्रोफेशन में किस तरह के प्रोफेशनल वैल्यूज को लेके चलते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में एक्चुअली आपको काम आता है। तो हमें एज अ मीडिया बिजनेस स्ट्रेटजी में इस चीज को बहुत ज्यादा हमें जोड़ के देखना चाहिए कि हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी कितना प्रोफेशनल है और इंडिविजुअल्स ड्रिवन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल ड्रिवन ज्यादा होना चाहिए। तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल, जब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जितना महत्वपूर्ण रहता है उतना ही आपका बिजनेस एज ए प्रोफेशन वो टिका हुआ रहता है, चाहे इकोनॉमी में अप एंड डाउन आए या फिर इनविजिबल फैक्टर्स उसमें काम आए, आपका बिजनेस एज ए मैनेजमेंट जो है वो हमेशा मतलब फ्लोट होता रहेगा। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यहां पे खास तौर पर, हमें मिनिमम रिसोर्सेस के साथ मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करें उसके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर तिवारी जी को धन्यवाद देते हुए, आई डोंट नो मैं कितना मेरा लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो, बट मे बी इंडिविजुअली अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे मैं ज़रूर आंसर करूंगा, बट मैं एमसीयू में मेरा 2 महीने का जो कार्यकाल रहा है वो इंटरेस्टिंग रहा है सीखने के लिए, और जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं आपके यहाँ ज़रूर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।